वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जबलपुर से आ रही है। पुलिस ने हत्या का खुलासा अब कर दिया है। पैसे के लेनदेन के चलते अनुपम शर्मा की हत्या की गई थी। आरएम मशीन में काट कर शव के 10 टुकड़े किए गए थे। आरोपी ने वारदात के बाद आत्महत्या भी कर ली थी। आपको बता दें कि एक आरोपी को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में भी लिया है। मामले की बात की जाए तो संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर हत्या की गुत्थी अब सुलझ गई है। पुलिस ने इस पूरे हत्या के मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि अनुपम शर्मा की हत्या की गई थी। अब बात सामने निकल कर आई है कि पैसे के लेन देन के चलते अनुपम शर्मा की हत्या की गई थी और आरएम मशीन में काट कर शव के 10 टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। अमित, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा किया पुलिस ने? बेशक ऋषु, आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले कल ही जो है अनुपम का शव मिला था। 10 टुकड़ों में ये शव था। हालांकि 8 ही टुकड़े जो थे पुलिस ने अभी तक रिकवर कर पाए हैं, बाकी के टुकड़ों की तलाश जारी है। इसी बीच में पुलिस ने जो है इस मामले से हत्या के ऊपर से पर्दा उठा दिया है। मृतक अनुपम के लेनदेन की यहाँ बात सामने आई है कि अनुपम लेनदेन था मृतक सोनी के साथ। सोनी ने भी आत्महत्या कर ली थी इस वारदात को अंजाम देने का। एक और आरोपी है जो इसमें कहीं ना कहीं किरदार रहा है, तो पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरी वारदात के पीछे पैसे के लेन देन की बात आई थी। शेयर ट्रेडिंग का ये पैसा था जिसके लेन देन की यहाँ पे बात निकल के सामने आई है। और इस मामले को लेकर के एक आरोपी जो है पुलिस गिरफ्त में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर थी, पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और अनुपम शर्मा की हत्या आपको बता दें पैसे के लेनदेन के चलते हुई थी। पहले हत्या की जाती है और उसके बाद जो आरोपी है उसने आत्महत्या कर ली है।